अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन आंटी लवर। ये टाइटल कैसा है? आंटी लवर डैंक इंडियन मीम्स। ओके देखते क्या है इसके अंदर ऐसा आंटी लवर जैसा। बाय गोल्डन मीम्स 2.0 सब फ्राइज स्टार्ट। हेलो मैं नाम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। कितने क्वेश्चन आए थे? टोटल क्वेश्चन थे 26। अच्छा, कितने दिन से तैयारी कर रही थी? बहुत दिनों से हो रही है प्रैक्टिस, तो फुल ऑन चल रही है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ क्या यार? मजबूती देख रहे हैं लौटने की। धन्यवाद। ये फंस गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है ना। चलिए आप मुझे बताएं, दुनिया में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, खाला की बेटी या फूफो की बेटी, दोनों में से किसी एक से शादी करनी है आपको, तो आप किससे करेंगे? मैम ऐसा पॉसिबल है कि मैं दोनों ऑप्शन यूटिलाइज करूं? अरे आई भाई, 2 तारीख के बाद है। हाय हाय। अरे तुरा कत ले कब है? वो छोरी एलेन ओमेगल पर हीरोइन बन रहा है। मेकअप उतने छे आधा किलो आटा मो। व्हाट आर यू सेइंग? Me? I'm saying good things about you. I'm saying that you look beautiful in Maithili. It's a language in Bihar. पूछ लल गए जना, बुझे रहते हम की करें पागल। दिमाग थोड़ी दिमाग होते तो मैं गल पर रहते कुछ डाल। अरे बेटा बेटा बेटा, हम बिहारी छे तो की बुझ ली हम तो हर बात नहीं समझ रहा लिया हन। खुद के देख लिया हम लगे छो 15 दिन से नहेली ना हन। अभी चार थोकी मार के चार दिन सुतल रहा भी पन्ना लिखना है सारो बात से पहले ओमेगा चला रहा थी। गलती रह गई हमारा, मेरे को एक नहीं समझ। हाँ हाँ क्या नहीं समझ गई? मतलब मेरे रास्ते में अगर ऐसा कुछ होता ना गिफ्ट पैक में, मैंने एक औरत 10 मिनट में 100 रोटियां बना रही है, ठीक है, तो 2 औरत 10 मिनट में कितनी रोटियां बनाएंगी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, उम्र दी हौली हड़िए तू नी बच के वुमेन। मचाते रहो पब्लिक पब्लिक देती।
बात है सर, क्या बात है सर। आंटियां अच्छी हैं या लड़कियां? आंटियां क्यों? ना शोर शराबा ना खून खराबा। मतलब दुनिया कहाँ जा रही है। जब हम बच्चे होते तब हम ना कॉलेज जाने वाली लड़की, मतलब जो हमारी दीदियां वगैरह होती इर्द गिर्द रहने वाले, उनको देख के ऐसा लगता मैं कब बड़ी होंगी, फिर मैं भी जाऊंगी कॉलेज में, फिर मैं भी ऐसे गाड़ी में घूमूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ठीक है गाड़ी स्कूटी चलाऊंगी एंड ऑल। जब हम बड़े हो जाते तब समझ में आते अरे जमाना तो चेंज हो गया, अब तो आंटियों का जमाना है। तो जब हम आंटी बन जाएंगे तब हम देखेंगे अरे जमाना तो चेंज हो गया, अब अज्जी का जमाना है। ऐसे ना हो जाए, मतलब हमारा जमाना आएगा कब फिर? जब हम छोटे थे तब यंग वालों का जमाना था, जब हम यंग हो गए तब आंटियों का जमाना आ गया। ये वो कह रहा है न्याय करो, तुम न्याय करो। और सबसे पहली चीज, अगर गिफ्ट पड़ा हुआ होगा कहीं पे रस्ते पे तो कोई भी उठा के चेक करने जाएगा क्या? मतलब मैं तो कभी नहीं उठाऊंगी, बाबा ये किसका पड़ा है, क्या है क्या नहीं, क्या पता हम लोगों का अंदर क्या है ऐसा, ठीक क्या? तो फिर मैं तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, इसने उठा लिया हाँ, तो पता है। और वो दो देखो कहीं कहीं पे मैं सोचती हूँ कि वुमेन वाली चीज क्यों होती है मेंस में, ये क्यों वुमेन ही क्यों, बट आज है ना वुमेन वाली बनती थी यार, इनके खुद के मस्ती के लिए दूसरों की गाड़ी का नुकसान। पता है मेरे को दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो गया था डायरेक्टली, क्योंकि गाड़ी का खर्चा बहुत खतरनाक होता है, वो ऐसे हाथी पाले जैसा लगता है, उसको बार बार ये करो वो करो, छोटी सी कोई चीज अगर खराब हो गई, छोटी सी नहीं, मेरा वाइपर खराब हो गया था, उसका मोटर खराब हो गया था, उसमें भी आपके चले जाते 4-5 हजार, नहीं क्या? मतलब चाहे कुछ भी चीज हो आपके पैसे बहुत जाने वाले। मैंने ये तो छोटी सी चीज बताई आपको, बट गाड़ी से रिलेटेड जितना भी खर्च होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और किसी और ने किसी और के गाड़ी को टक्कर मारी, बट दिमाग में मेरे कैलकुलेशन चालू हो गया कि भाई साहब अगर ये मेरी गाड़ी होती तो मुझे कितना खर्चा आ जाता इस पागल के वजह से, इनकी मस्ती और मेरे गाड़ी का नुकसान मैं क्यों करवाऊ। मतलब मैंने दिल पे ले लिया, मैं हर एक नींद दिल पे ले लेती हूँ ऐसे भी। मैं सोच में पड़ जाती हूँ, बोलते ना, और वो गाड़ी वाला ही था दूसरा भी, कि चाबी नहीं क्या वो देते हैं जब फोटो खींचने के लिए, वो होती है बड़ी सी चाबी, गया वो चाबी लेके खोलने के लिए। मतलब इतना बड़ा हो गया यार ये साल, फिर भी इसको अक्कल कैसे दी थी भगवान आपने, ये वो चाबी लेके जा रहा है दरवाजा खोलने के लिए गाड़ी का, कितना होशियार है, क्या बोल लेगा इसको, मतलब कहाँ होते ये लोग अक्कल बांटते टाइम थे भी या नहीं। और ओमेगल के वीडियोस पे तो हम लोग रिएक्ट करते, ये तो वो पंच लाइंस वाले थे, ये वाला अलग था, ये भोजपुरी में बात कर रहा था, उसको लग रहा सामने वाली को समझ में नहीं आया, दूसरी में सामने वाली भी भोजपुरी थी भाई साहब। और फिर तुम सुनो उससे, अब उसकी फालतू में इतनी बेइज्जती की ना, तो अब तुम सुन के लो। तो वो क्वेश्चन आंसर्स वाले तो हर जगह पे जाते हैं, मीम्स जिससे बनते हैं वो वाले, इन रिटर्न उनको भी जवाब इस तरीके से मिलते हैं जो मीम्स वाले ही हो। आपको सबसे खतरनाक मीम कौन सा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन ऑन आंटी लवर डैन किनियन मीम्स बाय गोल्डन मीम्स 2.0। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत मियालेज।